हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे और कोरोना से संबंधित सारी सावधानियों को रखते होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मॉक क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो भी इकोनॉमिक्स पे यानी अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, हफ्ते में एक क्लासेज हो रही हैं, आगे तीसरी क्लास आने वाली है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आपको जल्द ही मैं उसको डाल दूंगा। ये चलिए मैं यहाँ से कराने चल रहा हूँ, 2000 से क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ कि 2000 से कैसे प्रश्न आते हैं। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखा करिए। देखिए मेहनत तभी सफल मानी जाएगी जब आप क्लासेस को देखेंगे। अगर आप अपनी तैयारी के प्रति सावधान है, सतर्क है और एकदम मतलब ओरिएंटेड है अपनी आईएएस की तैयारी में, तो ये सब क्लासेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, सेंसेक्स के बारे में पूछा है। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है, सेंसेक्स में क्या है? आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में सेंसेक्स के बारे में पढ़ा होगा और आप इकोनॉमिक्स में पढ़े ही होंगे। क्या है इसके चढ़ाव का तात्पर्य क्या होगा? सेंसेक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे 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 बना होता है। सेंसेक्स के चढ़ाव का मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बंबई शेयर बाजार के 7 पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, राष्ट्रीय शेयर बाजार के 7 पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के 7 पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों में मूल्य के समग्र चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के 7 पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दूंगा और आप इसको आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट होता है आपका टाइम, कितना क्या होना चाहिए इसका बताइए। चलिए मैं डिफाइन करता हूं, आप अपने आंसर कमेंट करते रहिए। सेंसेक्स में चढ़ाव का मतलब यह है कि बाजार पर भरोसा दिखाता है, भरोसा या बाजार का ये कहूं बाजार की मजबूती को दिखाता है, ध्यान से सुनिएगा, मजबूती को दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पढ़िए जरा, बंबई शेयर बाजार के 7 पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, इसका मतलब यही हुआ, सेंसेक्स में बढ़ाव का मतलब हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका जिसका सही हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत हुआ है वो घबराए नहीं, अब अगली बार आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कथन एक कह रहे हैं, 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर पर्याप्त वृद्धि हुई, निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई, स्टेटमेंट वन है। स्टेटमेंट टू कह रहा है भारत सरकार के अवमूल्यन का आश्रय लिया, ठीक है। 1991 के क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं 1991 में क्या हुआ था। 1991 में एलपीजी हुआ था, आपको पता होगा उदारीकरण की नीति आई थी, ठीक है, 1991-92 में, ठीक है। उस समय भारत सरकार ने अवमूल्यन अपनाया, अवमूल्यन यानी पैसे की, जो 2008 में अभी मोदी सरकार ने किया था 2016 में, वही अवमूल्यन किया जिससे निर्यातों की वृद्धि हो गई। ये एक मार्ग प्रशस्त करता है, दोनों कथन सही है और एक दूसरे का सही कारण है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। आपके सामने लिखा गया है विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान परिषद, विश्व बैंक, इसका मिलान करना है आपको 18 में आपको मिलान करना है, फटाफट बताइए भाई। आपके ऑप्शन मैं दिखा देता हूं, सीधे ऑप्शन पे ही आते हैं, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। क्या है? विकास कार्यक्रम जो होगा वो होगा मानव विकास प्रतिवेदन से, बी वाले में पहला सही होगा, संयुक्त राष्ट्र भारत विकास प्रतिवेदन से। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान परिषद जो है ये सी का जो होगा, सी का दूसरा होगा भारत विकास प्रतिवेदन से, और चौथे में विश्व विकास प्रतिवेदन से, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में के कार्यविधि औपचारिकताओं को दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा? आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं, देखिए इसकी बातें हो रही है आर्थिक उदारीकरण की। चलिए मैं बताता हूं, आर्थिक उदारीकरण का मतलब यही है कि ये जो एलपीजी नीति लाई गई थी 1991 में, याद है उसमें क्या हुआ था, लाइसेंस नीति को खत्म किया गया था, लाइसेंस का वास्तविक परिवर्तन किया गया, ये कहूंगा वास्तविक परिवर्तन किया गया लाइसेंस का, या यूं कहूं बहुत सारे क्षेत्रों में लाइसेंस को खत्म कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गई, इसी को कहते हैं उदारीकरण, इसी को ही कहते ही हैं उदारीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय रुपया पूर्णतया परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, भुगतान शेष के चालू लेखा के संदर्भ में, भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संदर्भ में, तीसरा स्वर्ण में। 21 का कौन सा होना चाहिए, स्क्रीन पे आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, 21 का कौन सा सही होना चाहिए। एक आपने, चलिए देख लीजिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, चलिए मैं बता रहा हूं आप भी समझते रहिए। एक आया था तारापोरा समिति, ठीक है। तारापोरा समिति ने क्या अनुशंसाएं दी थी, या कहूं कि सिफारिशें की थी, उन्होंने कहा था कि चालू खाता का पूर्ण परिवर्तनीकरण किया जाए, या चालू खाता का पूर्ण परिवर्तनी हो जाए। अब मुझे इस ऑप्शन में अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे चालू खाता ही याद है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से ये सही हो गया। पूंजी लेखा में नहीं हो सकता, इसके बारे में जब इकोनॉमिक्स पहुंचूंगा तो डिटेल से इस चीज को चर्चा करूंगा, ठीक है, तो वहां के लिए मैं छोड़ता हूँ। स्वर्ण में बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन ए। फटाफट अपना देखिए, अपना कमेंट करिए आप, और खुद से एनालिसिस करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अपना रिजल्ट जरूर कमेंट करिए, रिजल्ट कमेंट करिए, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि कितना आप कितने पानी में हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। किसकी बात कर रहे हैं, स्थिर मूल्यों पर बात कर रहे हैं, एक वर्तमान मूल्यों पर बात कर रहे हैं, किसमें, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, किसपे, देखिए पर्सनल करंट प्राइस पे एक बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है पीसीआई इन स्थिर मूल्य पर, स्टेबल प्राइस पे, ठीक है, इनमें बात हो रही है कि अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको, ऑप्शन चार है, आप बताइए फटाफट कौन सा होना चाहिए, ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट कौन सा होना चाहिए, या मैं इसको जूम आउट करके आपको पूरा दिखा देता हूं, ठीक है, हाँ ये सही है, अब बताइए फटाफट। 22 फटाफट बताइए, मूल्य स्तर की वृद्धि दर पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आईएएस में ही पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आईएएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आईएएस के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये, देखिए लास्ट में ये ईयर डाला गया है, आईएएस का ही पेपर है, आपको पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 23 की बातें करते हैं, 23। विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर प्रवाह मेजबान देशों के लिए अच्छा है, व्यावसायिक ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष ऋण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश,
वह है व्यावसायिक ऋण। आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन लिखे गए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कौन सा सही होना चाहिए। 23, 23 का फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। इंटरनेट की थोड़ी समस्या चल रही है, आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, एक दो दिन और रुक जाइए, थोड़ा सा लाइव क्लास आने लगेगा, थोड़ा इंटरनेट की समस्या चल रही है इस लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं लाइव क्लास न लेके आपकी प्रीमियम वीडियो बना रहा हूँ, इसको उम्मीद कर रहा हूँ आप समझेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर भी करेंगे आप और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विदेशी प्रत्यक्ष ऋण, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करिएगा और मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बात कर रहे हैं, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में। पता नहीं आपको यहाँ कट ना रहा हो इसलिए फिर से लिख दे रहा हूं, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। 2002 का क्वेश्चन है, चार स्टेटमेंट दिए हैं, केंद्रीय बजट के में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दर पर निर्भर करते हैं, निरंतर अधिक ऋण में अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को ऊंचा रखा है, ठीक है, हाल के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्क्रीन पे आपके ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ऑप्शन ये है, कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। 24 का आप बताइए कौन सा सही होना चाहिए। देखिए पहला, देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है, ठीक है भाई। जैसे आप बताइए, आप माइनस में चल रहे हो, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे परिवार निगेटिव में चले गए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, पारिवारिक अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डाउन चली गई है। अगर इस समय अगर कोई ये एक परिवार की बात तो है नहीं, ये पूरे परिवार, हर परिवार की बात है, इस समय अगर आप किसी से ब्याज लोगे कि कोई आपको पैसा देगा, तो आपका जवाब होगा नहीं देगा, अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में देगा या बहुत ज्यादा ब्याज दर पे देगा। वही देश का समझिए, निरंतर अधिक ऋण के कारण अर्थव्यवस्था में ब्याज दर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तीसरा, हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देखिए अगर बजट घाटा हो रहा है बहुत ज्यादा, राजकोषीय घाटा हो रहा है, तो जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां आकर्षित होती हैं, वो क्या आकर्षित होंगी, नहीं होंगी कि अर्थव्यवस्था, तो भाई अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो या तो स्टॉप है, या तो मैं कहूँ कि एकदम स्थिर है, या तो फिर निगेटिव कहूँ, निगेटिव है यानी नकारात्मक है, और नकारात्मक स्थिति पे कोई भी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। इससे क्या होगा, निजी निवेश क्या होंगे, ये निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, समझ में आ गया होगा, तो इसके आंसर जो होगा वो आंसर सी सही होगा, ठीक है, आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे है 25 का। 25 में भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, 2002 का प्रश्न है ये, क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 3-4 सेकंड का टाइम है, 3-4 सेकंड का टाइम है, कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए। देखिए 25 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका किया जाता है, ठीक है। अब तो फिलहाल ये योजना, पंचवर्षीय योजना हुआ या योजना से संबंधित, ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न जो है बहुत कम आते हैं, रेयरली प्रश्न आते हैं, ठीक है, आते हैं तो पीसीएस में आते हैं, आईएएस बहुत कम पूछता है मेरी जानकारी में, पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। वैसे भी योजना आयोग तो खत्म हो गया 2014 से, तो 2014 में योजना आयोग खत्म किया गया, 2015-16 और मैक्सिमम 17 तक इसके प्रश्न आ रहे थे योजना आयोग के, लेकिन अब नहीं आ रहे, अब ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है 26।
सेवा कर के बारे में बात कर रहे हैं। सेवा कर क्या है? तो ये सेवा कर की बात मैं नहीं करने वाला हूँ। इस समय ये कोई संदर्भ नहीं रखता जीएसटी आने के बाद से। ये प्रश्न बिल्कुल भी निरर्थक है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सहभागिता नोट। ये है पीएन, पीएन लिखा गया है, पार्टिसिपेटरी नोट्स करके आता है। निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? भारतीय संचित निधि, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, क्योटो प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है भाई 27 का? फटाफट आप बताइए, फटाफट 27 का कौन सा सही होना चाहिए? आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर क्वेश्चन करवाइए लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, तो इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा 27 में आपका विदेशी संस्थागत निवेशी सही होगा, ठीक है? भारतीय संचित निधि में नहीं हो सकता, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद में नहीं हो सकता, इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी इजी है एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। ये कब की बात है? आपातकाल कब लगा था? 1975 में, ठीक है, 1975 में आपातकाल लगा था और जनता पार्टी 1977 में सरकार में आई, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना की बात करें, किसकी बात हो रही है? इस समय आया था पांचवी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसका टाइमिंग था 1974 से समथिंग था, 1974 से 1969 ही रहा होगा, एक सेकंड, हाँ 1974 से 1969 सही बात है, इसका टाइमिंग था, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। 28 हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 पे आते हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में एक सेकंड सेट कर लिया जाए। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ये पीसीएस के पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आईएएस नहीं पूछ रहा है लेकिन पीसीएस पूछ रहा है, खासकर कि यूपी पीसीएस यहाँ से प्रश्न पूछता है, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस पूछता है और जितने भी पीसीएस है, जितने भी पीसीएस है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे पीसीएस है, स्टेट पीसीएस यहाँ से सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, ठीक है? आप ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देता है 29 में, बिल्कुल सही है 29 में, ए पहला सही है। दूसरा, तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक रणनीति के लिए, तृतीय नहीं है ये, शायद चतुर्थ होगा, ये चतुर्थ योजना है या आयात प्रतिस्थापन के लिए चौथी है, हाँ चौथी योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को सुनिश्चित किया था, चौथी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो बचा कौन सा? स्टेटमेंट ए, यानी कथन एक सही हो गया, केवल एक सही हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो लास्ट सेशन क्वेश्चन है वो ये है, 30 नंबर। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है, कौन निकालता है? एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, मैं स्टैटिस्टिक्स से हूँ और जान लीजिए जहाँ पे स्टैटिस्टिक की बात आएगी वहाँ पे आप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात कर दीजिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटी सी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए मैं आज से कल मैं प्रयास करता हूँ आपकी लाइव सेशन आने का, लाइव सेशन में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों लेता हूँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लगातार चलती है, आज और कल में इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की एक क्लास आने वाली है, आज तो ये अपलोड हो रही है, कल तक आपकी इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी की मैपिंग की एक क्लास आ जाएगी। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सहयोग बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।